सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि जब तुम उसके कमरे में गई तो तुमने क्या देखा था। यहाँ पर ये अपनी लड़की से पूछ रही है कि जब तुम उसके कमरे में गई तो तुमने क्या देखा था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, व्हेन यू वेंट इनटू हिज रूम व्हाट डिड यू सी। When you went into his room, what did you see? यानी जब तुम उसके कमरे में गई तो तुमने क्या देखा था। When you went into his room, what did you see? जब मैं नाश्ते के बाद उसके कमरे में गई तो यहाँ पर ये कहानी बता रही है, कह रही है कि When I went into his room after breakfast. When I went into his room after breakfast. यानी मैं जब नाश्ते के बाद उसके कमरे में गई, When I went into his room after breakfast. तो वो वहाँ नहीं था। He wasn't there. He wasn't there. तो वो वहाँ नहीं था। He wasn't there. मुझे बताया गया था कि वो चला गया, लेकिन मुझे उसका बैग मिला। यहाँ पर ही कह रही है कि आई वॉज टोल्ड ही हैड लेफ्ट, यानी मुझे बताया गया था वो चला गया। आई वॉज टोल्ड ही हैड लेफ्ट बट, लेकिन आई फाउंड हिज बैग, मुझे उसका बैग मिला। तो यहाँ पर ही कह रही है कि आई वॉज टोल्ड ही हैड लेफ्ट, मुझे बताया गया वो चला गया, बट आई फाउंड हिज बैग, लेकिन मुझे उसका बैग मिला। बैग में काफ़ी बड़ी मात्रा में कैश था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, द बैग कंटेंड A considerable amount of cash. The bag contained a considerable amount of cash. Considerable का यहाँ पर यूज़ हुआ है बड़ी मात्रा के लिए। तो यहाँ पर ये कह रही है कि बैग में काफ़ी बड़ी मात्रा में कैश था। The bag contained a considerable amount of cash. बेड के बगल में कुर्सी थी और उस पर दो पिस्तौल रखी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना है, कह रही है कि बेड के बगल में कुर्सी थी। इंग्लिश में बोलेंगे, देयर वॉज अ चेयर नेक्स्ट टू द बेड। देर वॉज अ चेयर नेक्स्ट टू द बेड, यानी बेड के बगल में कुर्सी थी और उस पर दो पिस्तौल रखी थी। इंग्लिश में बोलेंगे, एंड अ पेयर ऑफ पिस्टल्स रेस्टेड ऑन इट। एंड अ पेयर ऑफ पिस्टल्स रेस्टेड ऑन इट, कह रही है कि देर वॉज अ चेयर नेक्स्ट टू द बेड, बेड के बगल में कुर्सी थी, एंड अ पेयर ऑफ पिस्टल्स रेस्टेड ऑन इट, और उस पर दो पिस्तौल रखी थी। जैसे ही मैंने पिस्तौल देखी, द मोमेंट आई सो द पिस्टल, द मोमेंट आई सो द पिस्टल, यानी जैसे मैंने पिस्तौल देखी, द मोमेंट आई सो द पिस्टल, मैं जान गई थी कुछ तो गड़बड़ है। आई न्यू समथिंग वॉज रॉन्ग, आई न्यू समथिंग वॉज रॉन्ग, कह रही कि मैं जान गई थी, मुझे पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। आई न्यू समथिंग वॉज रॉन्ग, मैंने पैसों से भरा बैग उठाया और कमरे से बाहर आई। यहाँ पर ये बता रही है कि आई पिक्ड अप द बैग फुल ऑफ मनी एंड केम आउट ऑफ द रूम। I picked up the bag full of money, यानी मैंने पैसों से भरा बैग उठाया and came out of the room, और कमरे से बाहर आई। I picked up the bag full of money and came out of the room, मैंने पैसों से भरा बैग उठाया और कमरे से बाहर आई। उसके बाद मैं कार में चढ़ी, यानी कार में बैठी। तो कार में बैठने के लिए हम गेट इन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रही है कि उसके बाद मैं कार में चढ़ी, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे, आफ्टर दैट आई गोट इन द कार। After that, I got in the car. यानी उसके बाद मैं कार में चढ़ी। After that, I got in the car. बैग को अपने बगल में रखा। Set the bag next to me. Set the bag next to me. यानी बैग को अपने बगल में रखा। Set the bag next to me. और इंजन चालू किया। And started the engine. And started the engine. और इंजन चालू किया। And started the engine. मैं कार में घर के रास्ते पर थी जब मेरा फ़ोन बजा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बताना चाह रही है कि मैं कार में थी और घर के रास्ते में थी, यानी घर जा रही थी जब मेरा फ़ोन बजा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई वॉज इन माई कार ऑन माई वे होम वेन माई फ़ोन रैंग। आई वॉज इन माई कार ऑन माई वे होम वेन माई फ़ोन रैंग, यानी मैं कार में थी घर के रास्ते पर, यानी घर जा रही थी जब मेरा फ़ोन बजा। आई वॉज इन माई कार ऑन माई वे होम वेन माई फ़ोन रैंग। मैं बस घर पर सही सलामत पहुंचना चाहती थी। तो मैंने कई बार बताया सही सलामत, जब भी आता है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेफ एंड साउंड। तो यहाँ पर ही बता रही है कि मैं घर पर बस सही सलामत पहुंचना चाहती थी। इंग्लिश में बोलेंगे, आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम सेफ एंड साउंड। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम सेफ एंड साउंड, यानी मैं बस घर पर सही सलामत पहुँचना चाहती थी। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम सेफ एंड साउंड। मैं ट्रिप पे जाने से पहले बाल कटवाना चाहती हूँ। यहाँ पर लड़की कह रही है कि आई वॉन्ट टू गेट अ हेयर कट बिफोर आई गो ऑन द ट्रिप। आई वॉन्ट टू गेट अ हेयर कट बिफोर आई गो ऑन द ट्रिप, यानी मैं ट्रिप पे जाने से पहले अपने बाल कटवाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गेट अ हेयर कट बिफोर आई गो ऑन द ट्रिप। मैं ख़राब मौसम के चलते बाहर नहीं जा सकती, नहीं जा सकी। तो यहाँ पर ही बता रही है कि मैं ख़राब मौसम के चलते बाहर नहीं जा सकी। तो के चलते, इसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑन अकाउंट ऑफ। तो यहाँ पर कह रही है कि आई कुडंट गो आउट ऑन अकाउंट ऑफ द बैड वेदर।
आई कुडंट गो आउट ऑन अकाउंट ऑफ द बैड वेदर, यानी मैं खराब मौसम के चलते बाहर नहीं जा सकी। आई कुडंट गो आउट ऑन अकाउंट ऑफ द बैड वेदर। प्लीज, जो कर रहे हो उसे करना जारी रखो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज गो ऑन विद वॉट यू आर डूइंग। प्लीज गो ऑन विद वॉट यू आर डूइंग। कभी कभी ऐसा होता है हम किससे कहते हैं कि ना कि प्लीज जो कर रहे हो उसे करना जारी रखो, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज गो ऑन विद वॉट यू आर डूइंग। और जब तक ये हो नहीं जाता रुकना मत। एंड डोंट स्टॉप अंटिल इट्स डन। एंड डोंट स्टॉप अंटिल इट्स डन। और जब तक ये हो नहीं जाता जब तक रुकना मत। एंड डोंट स्टॉप अंटिल इट्स डन। हमें खोए हुए समय की भरपाई करनी होगी। इन्होंने अपना समय बहुत खो दिया यानी वेस्ट किया काफ़ी समय। अब तो कह रही है कि वी हैव टू मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम। वी हैव टू मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम, यानी हमें खोए हुए समय की भरपाई करनी होगी। वी हैव टू मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम। मुझसे इस नंबर पर कॉल करने के लिए कहा गया था। सो फ्रेंड, जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं कि मुझसे कहा गया था, इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई वॉज टोल्ड। तो यहाँ पर ही कह रही है कि आई वॉज टोल्ड, यानी मुझसे कहा गया था टू कॉल दिस नंबर, इस नंबर पर कॉल करने को। आई वॉज टोल्ड टू कॉल दिस नंबर, मुझसे इस नंबर पर कॉल करने को कहा गया था। क्या तुम ऊपर जाकर बच्चों को देख सकती हो? सो फ्रेंड, से थोड़ा अच्छे समझना, ऊपर बच्चे अकेले हैं, तो जब भी हम किससे कहते हैं कि जाके उन्हें देखो कि भाई ठीक ठाक है, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक फ्रेजल वर्ब का चेक ऑन। तो यहाँ पर ही कह रहा है कि कैन यू गो अप स्टेयर्स एंड चेक ऑन द किड्स। चेक ऑन द किड्स का मतलब है कि बच्चों को जाके देखो वे ठीक ठाक है, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं। यानी गो अप स्टेयर्स एंड चेक ऑन द किड्स, क्या तुम ऊपर जाकर बच्चों को देख सकती हो? मुझे यहाँ उसे लाने में बहुत बड़ी मेहनत लगी। तो यहाँ पर बता रही कि मुझे उसे यहाँ लाने में बहुत मेहनत लगी। बहुत मेहनत लगी मैंने कई बार बताया, इसके लिए यूज़ करेंगे हैड अ हार्ड टाइम। तो यहाँ पर बता रही कि आई हैड अ हार्ड टाइम, यानी मुझे बहुत मेहनत लगी गेटिंग हिम हेयर, उसे यहाँ लाने में। आई हैड अ हार्ड टाइम गेटिंग हिम हेयर, उसे मुझे यहाँ लाने में बहुत मेहनत लगी। मैंने आज लंच नहीं किया, हालांकि मैंने एक सेब खाया था। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, तो कह रही है कि मैंने आज लंच नहीं किया, हालांकि मैंने एक सेब खाया था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डिडंट ईट लंच, आई डिड हैव एन एप्पल दो। आई डिडंट ईट लंच, एक बात तो कह रही है कि मैंने आज लंच नहीं किया, उसके आगे कह रही है कि आई डिड हैव एन एप्पल दो, हालांकि मैंने एक सेब खाया था। मेरे अपने ही लोग मेरे दुश्मन बन गए, यानी कि मेरे खिलाफ हो गए। इसके लिए हम बोलेंगे माई ओन पीपल टर्नड अगेंस्ट मी। टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ हो जाना है, दुश्मन बन जाना। तो यहाँ पर ये कह रही कि माई ओन पीपल टर्नड अगेंस्ट मी, यानी मेरे अपने ही लोग मेरे दुश्मन बन गए। जब मैंने इस गाने को पहली बार सुना था तो इसने मुझे हिला कर रख दिया था। इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन आई हर्ड दिस सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम इट जस्ट ब्लू मी अवे। तो यहाँ पर ब्लो अवे का यूज़ हुआ है, बता रही है कि व्हेन आई हर्ड दिस सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम इट जस्ट ब्लू मी अवे। जब मैंने इस गाने को पहली बार सुना था तो इसने मुझे हिलाकर रख दिया था। अगर समय हो तो तुम उसे जाकर मिल लेना चाहिए। तो बाहर कोई लड़का खड़ा है, कह रही है उसे जाकर मिलो, कह रही है कि अगर समय है तो तुम्हें उसे जाकर मिल लेना चाहिए। इफ़ देयर इज़ टाइम यू शुड गो एंड सी हिम। If there is time, you should go and see him. अगर समय हो तो तुम्हें जाकर उससे मिल लेना चाहिए, यानी उसे देख लेना चाहिए। क्या होगा अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया है? यहाँ पर लड़की कह रही है कि What if someone sees us together? What if someone sees us together? यानी क्या होगा अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया? What if someone sees us together? सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में भी लास्ट के कुछ सेंटेंसेज हैं, लास्ट के 3 से 4 सेंटेंस जो हमने अपनी पुरानी वीडियो से रिपीट किए हैं, ताकि जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस होती रहे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप इस तरीके की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।